नंबर 16 की तरफ चलते हैं। राइटिंग थोड़ी गंदी है, यहाँ पर मेरे पे इतना टाइम नहीं है कि मैं इनको टाइपिंग करूँ और फिर चमक दमक कलर वलर करूँ। सीधा मेन क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं जो पेपर में लिखा जाएगा, डैट सिट ख़त्म। और कोई यहाँ बात नहीं चल रही है, सीधा सीधा यहाँ पर पेपर में कैसे लिखना है, क्या लिखना है, इसके बारे में बात चल रही है। ठीक है, आइए। वाई द डेल्टा फाउंड ऑन ईस्टर्न कोस्ट एंड एबसेंट ऑन द वेस्टर्न कोस्ट। ये क्वेश्चन पेपर में दोबारा आ चुका है, आप देख सकते हो 2014 में आया था कि ईस्टर्न कोस्ट पर डेल्टा बनते हैं, वेस्टर्न कोस्ट पर डेल्टा नहीं बनते। तो आप क्या लिखोगे इसके अंदर, क्या तीन चार पॉइंट आप कैसे कैसे होने चाहिए जिसे रखोगे तो आप नंबर मिले आपके। तो आइए पहले तो रिवर्स देखते हैं भाई। अगर आप देखते हो हमारे पास ईस्टर्न कोस्ट पर कौन कौन सी रिवर्स होती हैं, रिवर महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी फ्लोइंग टू द ईस्ट कोस्ट आर द ओल्ड। पहली बात तो ये रिवर्स बड़ी पुरानी है और इनका जो कोर्स जो है, जो इनका जो जहाँ जहाँ से घूम घूम के आती हैं वो बड़ी लंबी है, बड़ा लंबा है। आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु से होते हुए जाके बी और बंगाल में गिरते हैं। इसका मतलब क्या है कि अपने साथ में बहुत बड़े सेडिमेंट लेके आते हैं। जबकि अगर आप बात करोगे ईस्टर्न कोस्ट की, सॉरी वेस्टर्न कोस्ट की, वहाँ पे जो रिवर्स का जो पाथ है वो कम है, वो कोर्स जो है वो कम है और सेडिमेंट कम लेके आते हैं। तो पहले पॉइंट तो आप ये लिखोगे, तो पहला पॉइंट क्या लिखोगे आप, रिवर महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी फ्लोइंग टू ईस्ट कोस्ट आर ओल्ड एंड हैव लॉन्ग कोर्स एज रिजल्ट। दे ब्रिंग हग अमाउंट ऑफ द सेडिमेंट विद दैम एंड ऑन अदर हैंड द रिवर फ्लोइंग टू द ईस्ट वेस्टर्न कोस्ट आर द यंग एंड शॉर्ट, हैंस डू नॉट ब्रिंग सेडिमेंट विद दैम। पहली बात तो आप ये लिखोगे। दूसरी बात ये लिखोगे कि ईस्टर्न कोस्ट रिवर स्लोप इज़ वेरी जेंटली। ईस्टर्न जो कोस्ट के जो स्लोप हैं बड़े जेंटली हैं, बड़े थोड़े थोड़े ऐसे हैं, एकदम धीरे 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 से चलते हैं। ये नहीं कि बिल्कुल सीधा सा पार्ट है, ऐसा नहीं है, जेंटली हैं। दूसरी बात क्या है कि दस इस प्रकार स्लोइंग डाउन ऑफ द वेलोसिटी रिवर, तो वेलोसिटी जो रिवर की कम हो जाती है, आराम आराम से वो रिवर चल चल के नीचे बे ऑफ बंगाल में गिरती है। जबकि आप वेस्ट कोस्ट देखोगे तो वहाँ के जो जो स्लोप हैं वो हमारे पास ग्रेडियंट है, स्टेप है, सीधे हैं, डायरेक्ट सीधा वो ओपन सी में गिर जाती हैं। इसकी वजह से वहाँ पर डेल्टा नहीं बनते। आई बात समझ में। सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं, ईस्ट कोस्ट रिवर स्लोप इज़ वेरी जेंटली एज द अप्रोच द कोस्ट दस स्लोइंग डाउन द वेलोसिटी रिवर्स वेलोसिटी ऑफ रिवर्स वाइल वेस्टर्न कोस्ट हैविंग द स्लोप जेंटली एंड रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द नियरली वेस्टर्न घाट। कहने का मतलब यह है कि जैसे ही वो ओरिजिनेट होती है जैसे ही उसमें गिर जाती है। इसमें इनका कोर्स जो लंबा नहीं होता, टाइम पीरियड लंबा नहीं होता, सेडिमेंट ज़्यादा लेके नहीं आते, स्लोप जो है वो हमारे पास क्या है, ग्रेडियंट है। इधर हमारा स्लोप क्या है, जेंटली है। आइए थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं, कॉन्टिनेंटल शेल्फ अलोंग द कोस्टल ईस्टर्न कोस्टल इज वेरी जेंटली। क्या कह रहा है कि ईस्टर्न कोस्ट पे जो स्लोप है, जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है वो क्या है, जेंटली है। जबकि हमारे पास शेल्फ क्या है वेस्टर्न कास्ट पे, वेस्टर्न कोस्ट पे क्या है हमारे पास, वेस्टर्न कास्ट पे शेल्फ है हमारे पास वो है स्टीप, सीधा एकदम, जिसकी वजह से सीधा रिवर आती नीचे गिर जाती है अरेबियन सी के अंदर। फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं, अरेबियन सी इज़ ओपन सी विद ओशियन वाटर करंट। यहाँ पर ओशियन वाटर करंट है, जबकि अदर हैंड पे आप देखो, देखो बे ऑफ बंगाल पे देखेंगे तो बे ऑफ बंगाल इज़ इनक्लोज डज नॉट एक्सपीरियंस अ ओशियन करंट, जबकि वहाँ पर ओशियन करंट एक्सपीरियंस नहीं होती। फोर्थ पॉइंट आप लिखोगे। फिफ्थ पॉइंट क्या लिखोगे, नर्मदा तापी सरस्वती ऑन द वेस्टर्न कोस्ट फ्लोइंग थ्रू रिफ्ट वैली, ये रिफ्ट वैली से होकर गुजरती हैं विच ओपन इन द डीप सी, हैंस इट इज़ अ रीज़न द डेल्टा फॉर्मेशन वॉज नॉट फाउंड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट। बस आप ये चार पांच पॉइंट लिख दीजिए। देखिए मेरी राइटिंग थोड़ी साफ आप नहीं है, मैं इस तरह से ही पढ़ाऊँगा, ठीक है। मैं यहाँ पर चमक दमक की बात नहीं करूँगा, सीधा टॉपिक पे आऊँगा, टॉपिक पे बात करूँगा, डैट्स इट। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।